वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लाइव डेमो देखने जा रहे हैं जीएसटी की न्यू रिटर्न का। जी हाँ, जीएसटी की जो आरईटी 1 फाइल हमें करनी है उसका आज हम लाइव डेमो देखेंगे, क्योंकि मंथली जो न्यू रिटर्न्स हैं वो अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो हमें उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना होगा ताकि बाद में हमें जो है कोई प्रॉब्लम ना आए फाइल करते हुए। तो उसका आज मैं आपको एक डेमो दिखाने जा रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो आइए, सबसे पहले मैंने जीएसटी का जो लॉगिन साइट है उसको ओपन कर लिया है, और यहाँ देखिए यहाँ पे मुझसे लॉगिन डिटेल्स मांगी गई हैं, और ऊपर जो है होम सर्विसेज जीएसटी लो डाउनलोड्स में अगर आप लास्ट में ये ऑप्शन देखेंगे तो न्यू रिटर्न का ट्रायल जो है ये हमें ऑप्शन दिया है। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, न्यू रिटर्न प्रोटोटाइप और ऑफलाइन टूल्स फॉर न्यू रिटर्न ट्रायल बेसिस। मैं न्यू रिटर्न प्रोटोटाइप पे जो है क्लिक करके आपको दिखाना चाहती हूँ। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे इससे रिलेटेड हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। मैं सबसे नीचे आ रही हूँ, तो सबसे नीचे दिख रहा है प्रोसीड टू प्रोटोटाइप, जिस पर क्लिक करने के बाद ये एक पेज ओपन हो गया। इस पेज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं। यहाँ पे ऑटो फिल्ड है, क्योंकि एक ट्रायल बेसिस पे हमें एक डेमो दिया जा रहा है, तो ये एक ऑटो फिल्ड हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, जहाँ पे हमसे जीएसटी आई एन नंबर, ट्रेड या लीगल नेम, रिटर्न टाइप, रिटर्न आरईटी 1 मंथली की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आप जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि अगर हमारा जो टर्नओवर है 1 ईयर का वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो हमें आरईटी 1 जो है मंथली फाइल करना होगा, और अगर हमारा टर्नओवर जो है कम है तो हम क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है वो मंथली रिटर्न के लिए भी चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे 19-20 को सेलेक्ट किया गया है, टैक्स पीरियड इन्होंने जून लिया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे फिल करनी है, ये ट्रायल बेसिस पर उन्होंने फिल करके हमें दी हुई है। अब इसके बाद आप साइड में एक आइकन देख रहे हैं, मैनेज प्रोफाइल। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट आइकन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि न्यू रिटर्न को फाइल करने से पहले हमें यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड प्रोफाइल, मॉडिफाई प्रोफाइल। हमें यहाँ पे अपना एक प्रोफाइल ऐड करना होगा। जैसे हम न्यू रिटर्न फिल करने के लिए स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें अपना प्रोफाइल ऐड करना है, और इसके अंदर जो है हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, जीएसटीआईएन नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, ट्रेड एंड लीगल नेम, उसके बाद आप एसईजेड डेवलपर हैं या नहीं है, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, आपको सेलेक्ट जो करना है फाइलिंग फ्रीक्वेंसी जो है सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या आप मंथली फाइलिंग करना चाहते हैं या आप क्वार्टरली फाइलिंग करना चाहते हैं, जिसकी कंडीशंस आप सभी को पता है कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर है तो आप क्वार्टरली फाइलिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर है तो आपके लिए मंथली रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं मंथली रिटर्न पे सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास कौन कौन सी रिटर्न आई है, सिर्फ एक ही रिटर्न आ रही है, जीएसटी आरईटी 1। और अगर यही चीज़ मैं क्वार्टरली रिटर्न पे सेलेक्ट कर रही हूँ तो क्वार्टरली रिटर्न पे आरईटी 1, सहज, सुगम, तीनों रिटर्न आ रही है। जो भी आप चूज़ करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस टाइम हम बात कर रहे हैं आरईटी 1 की। तो चलिए, ये तो था ऐड प्रोफाइल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है, मैनेज मॉडिफाई प्रोफाइल। अगर यानी कि हमने जो प्रोफाइल यहाँ पे ऐड किया है हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसके अंदर चेंजेस जो है कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जीएसटीएन नंबर, ट्रेड नेम, यहाँ पे एसईजेड डेवलपर, फाइलिंग फ्रिक्वेंसी, रिटर्न टाइप, यानी कि कुछ भी हम मॉडिफाई करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रोफाइल की, प्रोफाइल को हमने कैसे ऐड और मॉडिफाई करना है। अब चलिए आइए रिटर्न की बात करते हैं। ये हम आ गए हैं, हमने अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिल कर दी हैं। उसके बाद हम चलते हैं प्रोसीड पर। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 अनेक्जर्स आ रहे हैं, जिनकी हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनेक्जर 1 एंड अनेक्जर 2। अनेक्जर 1 की अगर हम बात करें तो अनेक्जर 1 में जो है हमें अपनी सारी सप्लाई जो है फिल करनी होगी, ये हमें खुद ही फिल करनी होगी, जो भी हमने सेल यहाँ पे करी है वो सारी सेल जो है हमें यहाँ पे
करनी होगी। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर हम ऑफलाइन प्रिपेयर करना चाहें, या फिर हम जो है डाउनलोड करना चाहें, ओपन करना चाहें, या फिर JSON फाइल को डाउनलोड करना चाहें, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी सप्लाई जो है इसके अंदर फिल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अनेक्जर टू की। अनेक्जर टू जो है वो हमें ऑटो फिल्ड मिलेगा, यानी कि जो हमारी परचेजेस है, जो भी हमने परचेज किया है, वो सारा डाटा हमें यहाँ पे ऑटो फिल्ड मिलेगा, क्योंकि हमारे सप्लायर ने भी अनेक्जर वन में अपना डाटा जो है ऐड किया होगा, तो उस डाटा को हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने काम करना है वो ये करना है कि जो भी यहाँ पे डाटा हमें ऑलरेडी फिल मिलेगा, हमें उसको चेक करना है अपने परचेज रजिस्टर से, और उसके बाद हमें ऑप्शन दिया जाता है कि हम उस डाटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, या होल्ड पे रख रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा। जैसे कि सेकेंड जो ये पॉइंट है, टेक एक्शन, इसमें हमें क्या करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लिक करते ही हमें शो हो रही है कि बिफोर टेकिंग एक्शन इन अनेक्जर टू यू कैन मैच विद योर परचेज रजिस्टर। आपको अपने अनेक्जर टू को अपने परचेज रजिस्टर से मैच करना होगा। मैचिंग कैन बी इनिशिएटेड बाय सेलेक्टिंग मैचिंग टूल ऑप्शन। यहाँ पे एक मैचिंग टूल ऑप्शन दिया जा रहा है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल यही है कि हमें इसको डाटा को अपने परचेज रजिस्टर से जो है मैच करना होगा। तो अपना परचेज रजिस्टर अपने सामने रखिएगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, हम एक टेबल हमें दी होगी एक्शन लेने के लिए, यानी कि सबसे पहले हम अपनी कौन सी परचेज है जिनको मैच करना चाहते हैं। पहले बात करते हैं हम यहाँ पे B2B रजिस्टर पर्सन से, अगर हमने कोई परचेज की है तो हमें उनको मैच करना है। इस तरह से हमारे सामने जो है ये डाटा पूरा खुल जाएगा, यानी कि हमारे सप्लायर ने जो भी डिटेल्स डाली होंगी वो हमारे सामने इस तरह से आ जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, सप्लायर वाइज और डॉक्यूमेंट वाइज। सबसे पहले हम सप्लायर वाइज चेक कर रहे हैं, ये डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। इसमें GST या नंबर और ये सारी डिटेल्स, उसका नाम, टैक्सेबल वैल्यू, और क्या क्या जो है ITC हमें मिल रहा है, क्या क्या टैक्स उसने लगाया है। अगर हमें लगता है कि ये जो डाटा है ये ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। अगर हमें लगता है ये जो परचेज हमारे सप्लायर ने डाली हुई है ये बिल्कुल हमारे परचेज रजिस्टर से सब कुछ डाटा जो है मैच कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे एक्शन लेने के लिए तीन बटन दिए गए हैं कि हमें जो है एक्सेप्ट करना है, इसको रिजेक्ट करना है, या अभी मुझे कोई कन्फ्यूजन है तो इसको हम होल्ड पे भी रख सकते हैं। तो तीनों तरह के जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट वाइज की, तो डॉक्यूमेंट वाइज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इजीली हो जाएगा हर चीज़ को सर्च करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनवॉइस नंबर मिल गए हैं और जो है डॉक्यूमेंट की डेट यहाँ पे मिल गई है, जिससे कि मैं बहुत ईजिली ट्रैक कर सकती हूँ किसी भी इन्वॉइस को, और बहुत ही ईजी हो जाएगा डॉक्यूमेंट वाइज जो है इस चीज़ को मैच करना। जिस तरह ये परचेज के लिए हम मैच कर रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास और भी सारी परचेजेस को हम वन बाय वन जो है मैच कर सकते हैं। कुछ एक्सपोर्ट वाइज ये परचेज हैं जिनको हम चाहें तो मैच कर सकते हैं। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, मतलब कोई ना कोई एक्शन हमें यहाँ पे ज़रूर लेना होगा। उसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है रीसेट या कन्फर्म। अगर हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है, बाद में हम चाहें कि नहीं ये गलती से हमसे हो गया, हम इन्हें रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्म करना है, जो भी हमने यहाँ पे एक्शन लिया है उसको यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। तो आइए अब बात करते हैं मैचिंग टूल की। जो मैचिंग टूल की पहले बात की जा रही थी, ऊपर हमें ऑप्शन दिया जा रहा है मैचिंग टूल। अगर हम इस मैचिंग टूल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन होता है, जहाँ पे हमें एक नोट दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, परचेज रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड एज पर द टेम्पलेट प्रोवाइडेड ऑन GST पोर्टल एंड सेम कैन बी डाउनलोडेड देयर फ्रॉम। यानी कि परचेज रजिस्टर हमें उस फॉर्मेट में करना है, एक टेम्पलेट हमें पोर्टल पे दिया गया है, उसी फॉर्मेट में हमें अपना परचेज रजिस्टर अगर हम बनाते हैं तो वो जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड करके उसमें अपनी परचेज डिटेल डाल के हम यहाँ पे उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं टेम्पलेट को। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो ये हमारा अनेक्जर टू में जो सप्लाई शो हो रही है, हमारे परचेज रजिस्टर से मैच होके हमारे पास रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हम यहाँ से चेक कर पाएंगे कि कौन सी हमारी मैच हो रही हैं और कौन सी हमारी जो मैच हैं परचेजेज वो
नहीं हो रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही फ़ायदेमंद जो टूल है वो हमारा यहाँ पे आया है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगी, टेबल फोर। टेबल फोर में जो आपका ITC है उसकी समरी आपको देखने को मिलेगी कि टेबल फोर में कौन कौन से ITC बुक हो रहे हैं, जो हमें यहाँ से बहुत ही ईजिली दिख जाएंगे। कोई भी टेबल अगर हम परचे, यहाँ पे भी हमें टेबल दी है, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन का कोई भी ITC वगैरह यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो वो सारा कुछ भी हमें यहाँ से चेक हो जाएगा। उसे भी हमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करके कंफर्म करना है। तो ये बहुत इजी और बहुत ही यूज़फुल टूल्स हमें यहाँ पे इसमें दिए गए हैं न्यू रिटर्न के अंदर, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद अगर हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो भी हो जाएगा, और JSONO फाइल जनरेट करना चाहें अपलोड करने के लिए तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। अगर हम यहाँ से ओपन डाउनलोड करना चाहें JSON फाइल तो वो भी यहाँ से हो जाएगी। ओवरऑल जो ये न्यू रिटर्न का ऑप्शन आया है, ये देखने में बहुत ही ईजी लग रहा है, पर हो सकता है कि जब हम इसे फाइल करें तो इसमें हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिले, तो वो भी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये था मेरा एक लाइव डेमो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।